टी सीरीज के बैनर तले बनी फिल्म भूलभुलैया 2 ने कार्तिक आर्यन की किस्मत बदल कर रख दी। भूलभुलैया 2 के रिलीज से पहले बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हिट फिल्म का सूखा झेल रही थी, लेकिन कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की इस मूवी ने बम्पर ओपनिंग दर्ज कराकर ट्रेड पंडितों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी। ट्रेड पंडितों का कहना है कि भूलभुलैया 2 ने कार्तिक आर्यन को बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार के लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया है। अब उनकी सीधी भिड़ंत रणबीर कपूर और ऋतिक रोशन से है, जो इस जनरेशन के दो सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं। वहीं फिल्म भूलभुलैया 2 रिलीज होने के बाद हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या निर्माता इस सीरीज का तीसरा पार्ट लाने के मूड में है। फिल्म भूलभुलैया 2 के निर्माता भूषण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी टीम जल्द ही भूलभुलैया सीरीज की तीसरी फिल्म पर काम शुरू कर देगी। भूषण कुमार के अनुसार भूलभुलैया सीरीज की दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, हम इस सीरीज को आगे बढ़ाने के मूड में है। इस सीरीज की तीसरी फिल्म का पूरा स्कोप है, हमारी टीम जल्दी भूलभुलैया 3 की डिटेल शेयर करेगी। टी सीरीज की भूलभुलैया 2 कार्तिक आर्यन साल 2022 की सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर साबित हुई। भूलभुलैया 2 से पहले बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप हो रही थी, लेकिन इस फिल्म ने साबित कर दिया कि अगर बॉलीवुड निर्माता अच्छी कहानी पेश करेंगे तो दर्शक साउथ फिल्मों का रुख छोड़ने के लिए तैयार हैं। फिल्म भूलभुलैया 2 के लिए कार्तिक आर्यन की जमकर तारीफ भी हुई। देखना होगा कि भूलभुलैया 3 को लेकर कब तक अपडेट सामने आती है। कमेंट करके बताएं कि आप इसका सीक्वल देखना चाहते हैं। कमेंट जरूर करें और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल देखो देखो को।